तो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, उसमें क्या क्या दिक्कतें होती है और कैसे उसको ठीक किया जाता है, इसका इलाज क्या होता है और उसके होने के कारण क्या क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। तो ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि कार्पल टनल क्या होती है। तो हमारा जो रिस्ट कलाई का पार्ट होता है, हाथ का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर होती है कार्पल टनल। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है कार्पल टनल। कार्पल टनल में यहाँ पर नीचे जो होते हैं वो कार्पल बोन्स होते हैं, और उसके ऊपर यहाँ पर जो ये है वो लिगामेंट होता है, कार्पल लिगामेंट। तो ये बोन्स और लिगामेंट मिलके एक टनल जैसा फॉर्म होता है, टनल बनती है और उसके अंदर से निकलती है मीडियन नर्व। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाली जो पीले कलर की है ये मीडियन नर्व है। तो ये मीडियन नर्व यहाँ से निकलती है, ये वाले इमेज में आप सही से देख पाओगे, यहाँ से मीडियन नर्व निकलती है, यहाँ से मीडियन नर्व निकलती है, बरोबर। तो ये जो कार्पल टनल है वो यहाँ से मीडियन नर्व निकलेगी और इस तरह से ये हमारी उंगलियों तक जाएगी और इस वजह से वहाँ के जो मसल्स है वो सही से काम कर पाएंगे, वो मीडियन नर्व की वजह से। अब किसी भी तरह ये जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो जाए, दबने लगे, तो हमें कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। अब ये दबती क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो ये लिगामेंट होता है ना, कार्पल लिगामेंट, उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो इसकी वजह से जो ये नस है वो दबती है, कंप्रेस होती है, तो उस वजह से इसमें हमें दिक्कतें होने लगती है और कार्पल टनल सिंड्रोम हमें हो जाता है। तो ये जो नस दब रही है, मीडियन नर्व यहाँ पर कंप्रेस हो रही है ये वाले पार्ट पर, तो उस वजह से, मीडियन नर्व कंप्रेस होने की वजह से जो ये वाला पार्ट है हाथ का, उस पार्ट में सुन्नपन रह सकता है, दर्द रह सकता है या फिर वीकनेस रह सकती है, यानी कि कुछ चीज़ें पकड़ने में तकलीफ़ हो सकती है, या फिर जो पेन है वो हमारे रिस्ट में, हमारी कलाई में भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं कि ये क्यों होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों होता है। तो एनीथिंग दैट स्क्वीजेस और इरिटेट्स द मीडियन नर्व इन द कार्पल टनल स्पेस, इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि इरिटेट्स कर रही हो मीडियन नर्व को, मीडियन नर्व को कंप्रेस कर रही हो, तो उस वजह से ये होता है, जैसे कि ये कार्पल लिगामेंट से उसमें सूजन आ जाती है उस वजह से। तो ये सूजन है, जो इन्फ्लामेशन है कार्पल लिगामेंट्स में, किन वजह से होता है, तो कि एज की वजह से हो सकता है, जेनेटिक्स, यानी कि फैमिली हिस्ट्री में ये दिक्कतें बार हो रही है तो वो आपको भी होने की संभावना ज़्यादा है। जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उनको भी ये चीज़ें होने की ज़्यादा संभावना है। जो डायबिटीज़ वाले मरीज़ हैं उनको भी ये हो सकता है। ओबेसिटी, जो मोटापे के शिकार है जो लोग, उनको भी होने की ज़्यादा संभावना है। और एक ड्रग होता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजोल करके एक ड्रग आता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से भी ये होने की ज़्यादा संभावना है कार्पल टनल सिंड्रोम होने की। और इंजरी, यानी कि कोई भी कहाँ पर कलाई में कहीं पर भी इंजरी हो गई, उसकी वजह से कार्पल लिगामेंट्स में इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया, तो जो नर्व है, मीडियन नर्व है, वो कंप्रेस होगी और उस वजह से हमें यहाँ पर दर्द, पेन, नमनेस, सुन्नपन, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सब सारी दिक्कतें होने लगती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या लक्षण है जो कि दिखाई देते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम में। तो इसके जो लक्षण है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मार्क किया हुआ ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में, खास करके हमारे उंगलियों में और कलाई के पार्ट में ये लक्षण है वो दिखाई देते हैं। और इसमें क्या होता है, तो हमारे हाथ में नमनेस यानी कि सुन्नपन रह सकता है, सेंसेशन ऑफ पिंस एंड नीडल्स यानी कि ऐसा लगता है कि कोई पिन छुबा रहा है, और क्लम्जीनेस यानी कि भारी भारी सा हाथ लगता है उसकी, और उसके अलावा पेन एट नाइट यानी कि रात के समय में जो दर्द है वो कलाई में, हाथ में, उंगलियों में, वो बढ़ता है। इसके अलावा हैंड वीकनेस और रिस्ट वीकनेस यानी कि कुछ भी चीज़ें हमें पकड़ने में दिक्कत होती है, हमारे हाथ में कमजोरी आ जाती है, और ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम में। आगे बात करते हैं कि ट्रीटमेंट, क्या इलाज दिया जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम में। तो इसमें सबसे पहले तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी और जो पेन किलर्स दवाइयाँ होती है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें जीरोडोल SP,
जिसमें कंटेंट रहता है एसिक्लोफेनाक, सेरेटियोपेप्टिडेज और पैरासिटामोल। ये बीडी में जनरली दिया जा सकता है और टीडीएस में भी दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आपकी जो सीवियरिटी है उसके अकॉर्डिंग देते हैं खाना खाने के बाद। और भी जो पेन किलर्स या एनएसएआईडी दवाई है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक वगैरह कोई भी हो सकती है। और इसके अलावा स्टीरोइड में वाइसोलोन, जिसमें प्रेडनिसोलोन कंटेंट रहता है, वो 5 मिलीग्राम, वो भी पीडी में प्रिस्क्राइब किया जाता है। शॉर्ट कोर्स देते हैं इसमें 5 या 10 दिन के लिए, उसके बाद उसको धीरे धीरे कम करके उसको बंद करना होता है। इसके अलावा इसमें जो नर्व कंप्रेशन हो रहा है, नर्व की दिक्कत है, नर्व डैमेज हो चुकी है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें मल्टीविटामिन्स देते हैं, जिसमें खास करके मेकोबेलामाइन वाली टेबलेट, जो विटामिन B12 वाली टेबलेट है, न्यूरोकाइन प्लस वो देते हैं, वो जनरली ओडी डोज में दी जाती है खाना खाने के बाद। और ये सारी दवाइयों की वजह से जो गैस या एसिडिटी ना हो उसके लिए एंटासिड दवाइयाँ देते हैं, जिसमें पांडी टेबलेट होती है, पेंटोप्राजोल और डोम्पेडोन कंटेंट वाली, वो खाना खाने से पहले सुबह शाम बीडी में या तो फिर ओडी में खाना खाने से पहले दी जाती है। और इसके अलावा डॉक्टर्स एक स्प्लिंट आता है जो कि हाथ में बांधने लगाने के लिए, जो आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसा स्प्लिंट होता है, वो लगा के रखने के लिए बोल सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक आपको इसमें आराम मिलता है। और अगर इन सभी चीज़ों से आराम नहीं मिलता और आपका जो मीडियन नर्व कंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज में है, तो उसमें आपको सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है, सर्जरी में क्या करते हैं कि जहाँ पर जो मीडियन नर्व होती है कंप्रेस हो रही होती है, यहाँ पर एक कट लगाते हैं यहाँ पर, और कट लगाने के बाद जो मीडियन नर्व कंप्रेस हो गई होती है उनको रिलीज़ कर देते हैं, तो आपका जो कार्पल टनल सिंड्रोम की जो दिक्कत थी वो ठीक हो जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, क्या इलाज हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।